हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीड एनसीईआरटी फिजिक्स विद शिवम। पिछले वीडियो में मैं बात की थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसमें भी हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलवर्ट्ज एंड लेनर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। विलहेम हॉलवर्ट्ज एंड फिलिप लेनर्ड इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमिनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इन डिटेल ड्यूरिंग 1886 to 1906। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब इलेक्ट्रॉन मेटल सर्फेस से एग्जैक्ट हो जाएंगे जब लाइट फॉल होती है, तब उसे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लेनर्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड्स, करंट फ्लोज इन द सर्किट। ठीक है, कुछ देखो सेटअप ऐसा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड में जब हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज फॉल कराएंगे तो क्या देखते हैं हम, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है, और करंट सर्किट में से, ये जो सर्किट है इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा जब हम अल्ट्रावायलेट रेज फॉल कराएंगे ऑन दिस मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ इसके बाद इसमें है, ओके, एज सून एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर स्टॉप द करंट फ्लोज आल्सो स्टॉप। ठीक है, जैसे ही हम करंट अल्ट्रावायलेट रेज स्टॉप कर देते हैं फॉल कराना उस मेटल इलेक्ट्रोड पे, तो जो करंट फ्लो करना है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी वही क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रही थी, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल ऑन द एमिटर प्लेट सी, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट ए बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, तो क्या किया, सी पे अल्ट्रावायलेट रेज फॉल हुई, नेगेटिव प्लेट है जो, ओके, और इस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट ने क्या कर लिए, की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ओके, और इससे करंट फ्लो करने लगा इस सर्किट में। ओके, नाउ इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब रिजल्टिंग इन द करंट फ्लो, और इससे करंट फ्लो होने लगा। दस लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द एमिटर कॉजेज करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, और इसकी वजह से जो, तो लाइट जो फॉल हो रही है सी पे, मतलब कि एमिटर प्लेट पे, वहाँ से उसकी वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और यही फिनोमिना क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लाइट की वजह से करंट, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना और करंट फ्लो होना सर्किट में। ओके, नाउ हॉलवर्ट्ज एंड लेनर्ड स्टडीड हाउ दिस फोटो करंट वेरिएट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड विद फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, हॉलवर्ट्ज एंड लेनर्ड ने क्या देखा कि जो फोटो करंट है वो कैसे, जो करंट है वो कैसे वेरी कर रहा है विद पोटेंशियल प्लेट पोटेंशियल। हम क्या करेंगे, पोटेंशियल जो अप्लाई करें ना उसको वेरी करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो वो करंट कैसे वेरी करेगा, तो उसको देखा। ओके, फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट लेने पे जो ये फोटो करंट है वो कैसे चेंज हुआ उसको देखा। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस पे कैसे फोटो करंट का इफेक्ट पड़ा, ये सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ हुए, जिससे प्रूफ होगा कि लाइट का फेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। नाउ हॉलवर्ट्ज इन 1888 अंडरटुक दिस स्टडी फर्दर एंड कनेक्टेड अ नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। तो हॉलवर्ट्ज ने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट कर दिया। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेटल को, जिंक प्लेट को, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसको इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया और इस पर क्या फॉल कराया, फिर इस पर उन्होंने यूवी राइज फॉल कराई। ठीक है, तो वो क्या देखते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं डायग्राम को। तो इलेक्ट्रोस्कोप कुछ ऐसा होगा, कोल्डिव इलेक्ट्रोस्कोप, और यहाँ पर इसमें इन्होंने एक जिंक प्लेट को कनेक्ट कर दिया जो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, नाउ इस पर इन्होंने यूवी रेज फॉल कराई। तो जैसे इन्होंने यूवी रेज फॉल कराई तो जो नेगेटिव चार्ज था, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्कोप जो एक्सपेंड होता था लीफ, वो क्या हो गए, इसने अपना चार्ज डिस्चार्ज हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि यूवी रेज ने क्या किया होगा, जो इलेक्ट्रॉन थे इसके जिंक प्लेट के, इसको क्या करा दिया, एस्केप करा दिया। ओके, इसलिए इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो गया है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि यूवी रेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दिया। ओके, इस फिनोमेना को कंफर्म किया। इस जो एक्सपेरिमेंट है इसका मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट और क्लियरली समझ में आएगा, उसमें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है। ओके, नाउ
He observed that zinc plate lost its charge when it is illuminated by ultraviolet light. Further, the uncharged zinc plate becomes positively charged when it was irradiated by ultraviolet light. ठीक है, सिमिलरली अगर क्या लिया यहाँ पर, अगर इन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज, जो जिंक प्लेट था हमने पहले क्या देखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, अगर पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रोस्कोप को जब हमने क्या किया, फर्दर इस पर लाइट यूवी राइज फॉल कराई तो ये फर्दर एक्सपेंड कर गया। ठीक है, इससे क्या प्रूव हुआ कि और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे, इजेक्ट हो गए होंगे इसमें से। ठीक है, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया जिंक प्लेट और। ओके, तो आप एक्सपेरिमेंट को देखोगे जिसका जो वीडियो है, ओके, उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट को और क्लियरली देख पाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन है। नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट वॉज फाउंड टू बी फर्दर इनहेंस वैन इट वॉज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर एमिटेड फ्रॉम द जिंक प्लेट अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। और इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करा रही है, जिंक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे रही है। ओके, नाउ यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पर कन्फर्म हो गया। नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897 इट बिकेम एविडेंट दैट द इंसिडेंट लाइट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम द एमिटेड प्लेट। ठीक है, तो अभी तक क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन अब जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब इससे कन्फर्म हो गया कि लाइट क्या करा रही है, इंसिडेंट लाइट वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रही है एमिटर प्लेट से। ओके, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर पुश्ड टुवर्ड द कलेक्टर प्लेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हमने देखा ना यहाँ पर, तो ये एमिटर प्लेट थी और यहाँ ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये कलेक्टर प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ओके, नाउ हॉलवाच एंड लेनर्ड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वैन अल्ट्रावायलेट लाइट फेल ऑन द एमिटर प्लेट नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड एट ऑल वैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट वॉज स्मॉलर देन द सर्टेन मिनिमम वैल्यू कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल कराई, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, तब क्या होगा, तब कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगी, कोई भी करंट हमें डिटेक्ट नहीं होगा, अगर इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ही, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और हमें करंट डिटेक्ट होगा इस सेटअप में। ओके, यानी कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट की, जहाँ पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, और इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट। और जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट की, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वो मेटल पे, मेटल के जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, जिसे हम वर्क फंक्शन से डिनोट करेंगे। तो वर्क फंक्शन क्या होगा कि एक मेटल के लिए, एक सब्सटेंस के लिए, एक मेटल के लिए कितनी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी जो क्या करा सके, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सके। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए जो क्या करा सके, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सके, और थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन मतलब उस मेटल के लिए कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो क्या करा दे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे उसमें से। ओके, नाउ इट वॉज फाउंड डेट द सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम रिस्पॉन्डेड ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ टू कॉज इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सर्फेस। ठीक है, और क्या देखा गया, ये मेटल जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ है, उसमें भी क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहे हैं, एमिट हो रहा है उसमें। ओके, लेकिन हाउएवर सम एल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम वर सेंसिटिव इवन टू विजिबल लाइट। ठीक है, लेकिन ये जो मेटल तो शॉर्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्ग फ्रीक्वेंसी। ओके, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, और लेकिन जो ये मेटल्स थे वो क्या थे, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट से कम होगी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट से उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी तो अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा होगी और विजिबल लाइट की कम होगी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मेटल्स थे ये विजिबल लाइट में भी मतलब लो फ्रीक्वेंसी में भी इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हो जा रहा था। ओके, तो क्या डिफरेंस है इनके वर्क फंक्शन में, मतलब इसमें कम फ्रीक्वेंसी लाइट भी क्या कर देगी इन मेटल्स के लिए, सीजियम, पोटेंशियम, सोडियम वगैरह में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देगी, जबकि अल्ट्रावायलेट में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट में हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तभी इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑल दिस फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। ठीक है, और ये जो मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये नॉर्मल लाइट भी फॉल कराएंगे इसमें, तब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में भी
इजेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन वर टर्म्स एज फोटो इलेक्ट्रॉन. और जब इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवरी हो गई तो इन इलेक्ट्रॉन को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो रहा है, मतलब लाइट फॉल हो रही है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. ओके, तो फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. आई होप मैंने आपको ये क्लियर कराने की कोशिश करी है, आपको ये समझ में आया होगा. ओके, डिटेल में और देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट स्टडी कैसे हम कैसे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, कैसे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे फोटो करेंट. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बेसिस पे ही हम लाइट को जब आइंस्टीन आएंगे तो आइंस्टीन क्या करेंगे, लाइट को एज अ पार्टिकल फोटोन प्रूव करेंगे. ओके, तो उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. कोई मिस्टेक हुई अगर आपको लगता है मेरे एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. लाइक करना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं और वीडियो डालता रहूँ इस चैनल पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.